वेलकम टू आर बीची लाइफ। मैं हूं वैभव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसके बारे में काफी इंक्वायरीज आई हमें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, 5 वेज टू फाइंड अ जॉब इन केमैन आइलैंड्स। सो गाइस, सबसे पहले हमें ये रियलाइज करना जरूरी है कि यहाँ पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स की डिमांड है। सो लेट्स बिगिन विथ फाइनेंशियल सेक्टर। केमैन आइलैंड इज वन ऑफ द टॉप 10 फाइनेंशियल सेंटर्स इन द वर्ल्ड और यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट एरियाज और कंपनीज में जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अकाउंटेंसी में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में। द टॉप एम्प्लॉयर्स हियर आर ऑल द बिग फोर्स फॉर ऑडिट फर्म्स। देन यू कैन हैव अ लुक एट द बैंक्स लाइक स्कोटिया बैंक, रॉयल बैंक ऑफ कैनेडा, बटरफील्ड बैंक एंड मेनी मोर। इसके अलावा आप इंश्योरेंस मार्केट में भी यहाँ पे काफी ऑप्शन देख सकते हैं। नंबर 2 ऑन अ लिस्ट इज टूरिज्म इंडस्ट्री। केमैन आइलैंड इज होम टू अ लॉट ऑफ ग्लोबल होटल चेन्स एंड दैट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। केमैन आइलैंड की गवर्नमेंट खुद बहुत ज्यादा रिलाई करती है टूरिज्म पर। यहाँ पे ऑन एंड ऑफ हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कुक्स की, शेफ्स की, एग्जीक्यूटिव हाउस कीपर्स, अकोमोडेशन सुपरवाइजर्स, रेस्टोरेंट एंड फूड मैनेजर्स। और मेजर एम्प्लॉयर्स यहाँ पे है किम्पटन सीफायर, वेस्टर्न, रिट्स कार्ल्टन, मैरियट एंड अ लॉट ऑफ लोकल ऑप्शंस। सो टूरिज्म इस समय कोविड के वजह से काफी स्लो हो चुका है। As soon as everything comes back to normal, there are going to be a lot of hiring in this area. Next on our list is healthcare sector. Cayman Islands mein doctor aur medical staff ki requirement on and off zarur rehti hai. The major employers here are HSA, Health Services Authority of Cayman Islands, which is a government hospital. Apart from that, Doctors Hospital, Health City Cayman Island, which is an Indian owned hospital and that is used for medical tourism. सो अगर किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट उसके अपनी कंट्री में नहीं हो पा रही तो दे ऑल द वे फ्लाई टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड देन दे गेट देमसेल्फ्स ट्रीटेड। द ऑक्यूपेशंस इन डिमांड आर जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस, स्पेशलिस्ट फिजिशियंस, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज लीगल एंड लॉ फर्म्स। द मेजर एम्प्लॉयर्स इन दिस इंडस्ट्री आर मेपल ग्रुप, वॉकर्स, रॉल्सन एंड हंटर्स, ओगियर, हार्नेस, Applebee एंड Campbell's। इसके अलावा भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पे लीगल, पैरालीगल और काफी जॉब्स भी निकली रहती हैं इस इंडस्ट्री में। As you might be aware of the fact that Cayman Island is a tax haven, there are a lot of AML compliance and cyber security positions available at this moment. So if you have an experience in that field, you have a strong chance. Congratulations! अगर आप इनमें से किसी भी एरिया में काम करते हैं, now we know that Your occupation is in demand in Cayman Islands. अब समझते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी जॉब कहाँ पोस्ट हुई है और हम उसको कैसे रीच करना है। सो द फर्स्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इज थ्रू द न्यूज़पेपर। आपको सुन के बहुत घिसा पिटा लग रहा होगा बट दिस इज द ओनली ट्रेडिशनल वे दैट वर्क्स हियर विच इज फुल प्रूफ। इसमें कोई स्कैम होने के चांसेस नहीं है और ये सारी जॉब्स वेरीफाई होकर पब्लिश होती हैं। So I'm attaching the link below. You can click there and you can also see the newspaper which I'm seeing right now. This is known as Cayman Compass. ये यहाँ का official newspaper है जो हफ्ते में एक दिन classifieds publish करता है. The second way is networking via LinkedIn. So हमें सबसे पहले अपनी industry को identify करना है और potential companies के potential staff को, I repeat staff को, not the HR, reach out करना है अपने बारे में एक छोटा सा brief introduction के साथ. And we need to have a lot of patience. जब भी वो accept करेंगे, then we can start our communication and build a relationship. Next है recruitment agencies. So recruitment agencies के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि यार ये fraud होंगे, ये पैसे लेके भाग जाएंगे और शायद हमारा काम ये करें ही ना। But नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है because it's a small community, people trust each other a lot और यहाँ पे वैसा माइंडसेट ही नहीं रहूंगा। सो यू कैन रिलाई ऑन देम। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज दे फर्स्ट इवेल्यूएट योर प्रोफाइल एंड देन दे लुक फॉर अ पोटेंशियल मैच। उसके बाद वो आपके साथ एक इंटरव्यू करते हैं, इट्स सॉर्ट ऑफ डिस्कशन टू एनालाइज आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड देन दे प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट विच इज योर पोटेंशियल एम्प्लॉयर। और इस पूरे प्रोसेस में काफी टाइम लगता है बट ट्रस्ट मी दे डोंट चार्ज एनी फी फॉर इट एंड It does take some time, but definitely results come. Next on our list is relocation. Assuming you work for a company which has an office in Cayman Islands, then you can always look out for an option to relocate
to the Cayman office. For this, you need to constantly look on the company's website if there is an opening in Cayman office. This is the most safest option because aapki job aapke paas intact hai and you're moving in the same company, so you are familiar with the environment and the work culture. Next on our list is government jobs. गवर्नमेंट जॉब सुनते ही सबको लग रहा होगा यार गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी, यहाँ पे उतना मुश्किल नहीं है. आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट. ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर आपके पास वो स्किल सेट है जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग लोगों के पास नहीं है, सो दे डोंट माइंड हैविंग एन इंटरव्यू एंड ब्रिंगिंग यू ऑल द वे फ्रॉम इंडिया या फिर आप जहाँ पर भी हैं. सो गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ मिल सकती हैं, मैं वो लिंक नीचे डाल रहा हूँ और अभी आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो. So you can go there and check if you have that skill set, definitely you can apply. अब assume करते हैं आपने job ढूंढी, आपने apply किया, आपका interview भी schedule हो गया, interview हो गया, अब आपको offer letter भी मिल चुका है. So what's next? Once you're done with the formalities of signing the offer letter, आपको notice period के लिए अच्छे से बात करनी है आप कितना दे सकते हो आपकी existing company में. और उसके अलावा you will go through a lot of documentations that will include your work permit, application form, medical form, medical examinations I mean. Uske alawa aapka police clearance bhi hoga, and if you are coming from India then you have to give a English level, English exam. So it can be IELTS or anything else. Generally yahan se fraud ka scene itna zyada hota nahi hai, but to stay safe I would recommend don't resign until you have your work permit. वो आपके potential employer और आपके existing employer के बीच में कैसे quarterly आपको देखना है. But just to give you a brief, your work permit is going to be your visa. So जैसे आपके पास work permit आ चुका है, then congratulations, आप बहुत जल्दी travel कर रहे हैं. Just to give you some statistics, Dart Group is one of the largest employers of work permit holders in the Cayman Islands. So guys, इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं. If you have any queries or any doubts, then you can leave a comment below or you can reach me on my Instagram. The link is in the description. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस वीडियो एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स जो भी इंटरेस्टेड हैं इंडिया से रिलोकेट करने में या किसी और कंट्री से कहीं और रिलोकेट करने में. इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू एंड गिव देम सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन विच इज not very easily available on the internet, trust me. ये मैं अपने experience से बता रहा हूँ. And thank you once again for watching our video. Take care.